अभी तक हमारा नैवबान सिर्फ होम पेज पर दिखाई पड़ता है। हम लोग अगर अबाउट पेज पर जाएं, कॉन्टैक्ट पेज पर जाएं या फिर ब्लॉग पोस्ट वाले पेज पर जाएं, तो वहां पर हमें नैवबार नहीं देखने को मिलता है। क्या हमें नैवबार बार बार कॉपी करना पड़ेगा इन सारे पेजेस में और सारे ब्लॉग पोस्ट में? अगर ऐसा होगा तो बहुत ही कंबरसम हो जाएगा और बहुत ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन लकीली Next.js के अंदर आप लोग _app.js नाम की फाइल को एडिट कर सकते हो। क्या होती है ये फाइल, इससे क्या होता है, क्यों इसको एडिट करना चाहिए और किस तरह से हम लोग और पेजेस में भी नैवबार को डिस्प्ले करा सकते हैं, ये सीखने वाले हैं आज के इस लेसन में। हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि ये सारी चीजें Next.js के अंदर किस तरह से की जाती है। तो यार हमारे हंटिंग कोडर को अगर मैं दोबारा से खोलूं तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यार्न डेव लिखूंगा। ठीक है, यार्न डेव लिखने के बाद मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मुझे पता है कि आप लोग कह रहे हो यार इतने आगे आ गए कोर्स में, क्यों हम बार बार ये काम कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, इसलिए मैं कर रहा हूँ बार बार। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये जो नैवबार है हमारा, ये हमारे अबाउट पेज में जो कि नहीं आ रहा है अभी, उसको कैसे लाया जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये उन चीज़ों में से एक है जो कि कहते हैं ना सिंपल येट वेरी यूजफुल, दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे कि आएंगे अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग पेजेस में देखोगे, अगर आप लोगों ने मेरे साथ फॉलो करते हुए इस कोर्स में आप आगे बढ़े हैं, तो आपके पास एक _app.js नाम की फाइल होगी। ये फाइल आपकी पेजेस डायरेक्टरी के अंदर होगी। इस _app.js फाइल के अंदर आपको कुछ इस तरह का कंटेंट दिखेगा। यहाँ पर ग्लोबल CSS भी हमने इंपोर्ट करी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइन नंबर 1 में ग्लोबल CSS भी इंपोर्ट करी हुई है। मैं थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीनकास्ट मोड को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि अगर मैं कोई भी की दबा रहा हूँ तो आप लोग को दिखे, मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है, Ctrl+Z कर देता हूँ, सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्लोबल CSS इंपोर्ट हो रखी है इस पेज में। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि ग्लोबल CSS यहाँ पर इंपोर्ट होती है तो वो सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये फंक्शन देखो माई ऐप, और ये एक्सपोर्ट कर रहा है माई ऐप को, जो Next.js की वर्किंग यानी कि इंटरनल वर्किंग Next.js का कोड कैसे काम करता है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि _app.js एक ऐसी फाइल है जो कि आप कोई सा भी पेज लोड करो वो ज़रूर फायर की जाती है। यहाँ पर जो रिटर्न कंपोनेंट है, ये पेजेस के अंदर हमने जो कंपोनेंट बनाए हैं वो वाला कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर console.log करूँ, console.log आई एम लोडिंग, ठीक है, मान लो मैं ये लिखता हूँ आई एम लोडिंग और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है कंसोल दिखाता हूँ, तो देखो अगर मैं इसको रिलोड करूँ पेज को तो आई एम लोडिंग दिख रहा है। क्या मैं अबाउट पर जाऊँगा तब भी आई एम लोडिंग दिखेगा? हाँ दिखेगा। बैक आऊँगा फिर से आई एम लोडिंग, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा फिर से आई एम लोडिंग, यानी कि कोई भी पेज ओपन हो ये _app.js जो है ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है। और ये वाला जो कंपोनेंट है और प्रॉप्स ये इस तरह से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसकी डिटेलिंग को समझने के चक्कर में अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा सा भटक जाओगे। हमारा जो अभी यहाँ पर गोल है वो है Next.js को सीखना और इससे यूजफुल एप्लीकेशंस बनाना, हम बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशंस बना पाएँ चीज़ों को समझते हुए, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये रिटर्न सिर्फ इतना नहीं करूँगा, मैं कहूँगा यार तुम सिर्फ कंपोनेंट को रिटर्न मत करो यार, माई ऐप तुम इसको कंपोनेंट को सिर्फ रिटर्न मत करो, माई ऐप तुम एक काम करो, माई ऐप तुम इस फ्रैगमेंट को रिटर्न करो। ठीक है, मैं इसको ज़रा कट करता हूँ। और मैंने फ्रैगमेंट क्यों बनाया, मैंने ये फ्रैगमेंट इसलिए बनाया ताकि मैं इसके अंदर और चीज़ों को भी रिटर्न कर सकूँ, और मैं यहाँ पर ये रिटर्न के साइड में लेकर जाऊँगा ताकि ये रिटर्न हो। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डालता हूँ, मैं कहूँगा यार डेव यहाँ पर एमिट नहीं चल रही है, इसको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। हाँ, तो मैं यहाँ पर अगर मान लो लिखता हूँ डेव और मैं लिखता हूँ आई एम अ डेव, तो ये आई एम अ डेव मुझे सारे पेजेस में देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, आई एम अ डेव, अबाउट में जाऊँगा आई एम अ डेव, और दिस इज माई अबाउट कंपोनेंट जो कि हमारा कंपोनेंट है। ब्लॉग में जाऊँगा आई एम अ डेव, मैं आई एम अ डेव नहीं दिखाना चाहता, मैं नैवबार दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आऊँगा अपनी index.js के अंदर जिसके अंदर मैंने नैवबार ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, और यहाँ से नैवबार को हटाकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बनाऊँगा नैवबार का जो कि अभी तक मैंने नहीं बनाया और मुझे बना लेना चाहिए था। ठीक है, एक कस्टम नैवबार कंपोनेंट। ठीक है, तो navbar.js RAFCE, और यहाँ पर ये जो div navbar है ये ना रिटर्न करते हुए मैं क्या करूँगा, ये वाला navbar रिटर्न करूँगा। तो ये जो कोड है इसको ऐसे कट करूँगा, कॉपी भी नहीं करूँगा, कट करूँगा और index.js को सेव कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इस तरह से पेस्ट करके सेव कर दूँगा और आप लोग अब देखो कि navbar यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मैंने वहाँ से कट कर दिया।
अभी जो आई एम एट डिव है ना, इसको मैं नैव बार से रिप्लेस करूँगा। और आप लोग देखना ये काम मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर नैव बार को कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा, ठीक है। और नैव बार मेरा इम्पोर्ट क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, नैव बार ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैं देखूँगा कि अगर मुझे सजेशन मिल जाती है इसको इम्पोर्ट करने की तो अच्छी बात है, वरना मुझे इसको मैनुअली इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्पोर्ट नैव बार, ठीक है, फ्रॉम कंपोनेंट्स नैव बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब आप लोग को अपना पेज दिखाऊँ तो कह रहा है स्टाइल्स इज़ नॉट डिफाइंड, ओके स्टाइल्स इज़ नॉट डिफाइंड, सही कह रहा है ये। यहाँ पर मुझे स्टाइल्स को दोबारा से इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं नैव बार में स्टाइल्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे नैव बार डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस बना लेना चाहिए था, बट दैट्स फाइन, मैं यही वाले स्टाइल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा। और आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, तो सारी चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर से लिंक और स्क्रिप्ट दोनों की ज़रूरत नहीं है, और हमने यहाँ पर क्योंकि क्लीनअप की बात करी ही थी तो स्क्रिप्ट भी यहाँ से मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं अभी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यहाँ पर लोड कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हम अबाउट में भी जाते हैं तो हमको ये नैव बार दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉग में भी जाते हैं तो हमें नैव बार दिखाई पड़ रहा है। रिलोड करके ही कन्फर्म करता हूँ कि एरर नहीं आ रहा है, हमारे कंसोल में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए जब हम लोग काम कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ब्लॉग पर गए हम, कॉन्टैक्ट पर गए, अबाउट पर गए, होम पर गए, और बिल्कुल सही चल रही है एप्लीकेशन हमारी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। यहाँ पर अबाउट जो है इस पेज को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ अबाउट डालना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, आप लोग को एक टास्क देता हूँ कि आप अबाउट पेज खुद से बिल्ड करें, ठीक है। मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं करवाना चाहता, कोर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। लेकिन ये जो होम पेज है ये मेरा ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिंक करूँगा ब्लॉग्स को, सारे के सारे ब्लॉग्स जो हमारे पॉपुलर ब्लॉग्स होंगे या फिर टॉप थ्री ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पर मैं लिखूँगा, लेटेस्ट ब्लॉग्स या पॉपुलर ब्लॉग्स, मैं लेटेस्ट ब्लॉग कर देता हूँ उसको, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, दैट्स अ डिज़ाइन चॉइस, ठीक है। मैं लेटेस्ट ब्लॉग्स कर देता हूँ, और यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉग्स सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर कहीं डेटाबेस से लेकर आ रहा हूँ डेटा को, तो वहाँ से फेच करूँगा और कहूँगा कि यार जो हमारे टॉप थ्री हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करा दिए जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होम पेज, अबाउट पेज तो आप लोग बना ही लोगे यार, कॉन्टैक्ट पेज मैं बनवाऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करो, हम लोग पहले ब्लॉग की फंक्शनैलिटी को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखना हम लोग कॉन्टैक्ट पेज भी बनाएंगे। आई होप कि मज़ा आ रहा है यार सब लोगों को, और उसी के साथ साथ आने वाले वीडियोज़ में आप लोग ज़रूर से देखना हम किस तरह से ब्लॉग और ब्लॉग पोस्ट बनाने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।